वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। तो इस प्लांट का नाम है फर्स्ट लव। नेम ही बहुत यूनिक है और इसको गोल्डन पैंडा भी बोलते हैं। ये प्लांट आप घर में लाओ तो पूरे साल आपके साथ चलेगा, बट थोड़ी सी केयर इसको चाहिए। इस प्लांट के जो फ्लावर है बहुत सारे कलर में आते हैं, बट ये येलो जो वैरायटी है, इस येलो वैरायटी बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग होते और आते हैं तो गुच्छे में आते हैं और बहुत सारे एक साथ में फ्लावरिंग करते हैं। बट जो रेड, पिंक और व्हाइट कलर का है फ्लावर, उसमें थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होते हैं और बहुत धीरे धीरे उसमें फ्लावरिंग होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप लाओगे तो ये गोल्डन कलर का, येलो कलर का फ्लावरिंग जो है फर्स्ट लव, ये लाना। तो इसका केयर आप करोगे तो ये पूरे साल आपके साथ चलेगा, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है। तो मैं आज वीडियो में इसके केयर के बारे में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले बोलती हूँ सनलाइट के बारे में। ये फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को सनलाइट चाहिए। ये फुल सन में अप मत रखना, बस सुबह की 3-4 घंटे की इसको धूप लगा देना। फुल पूरे दिन की जो फुल सनलाइट है उसमें रखने से क्या होते हैं, इसके जो फ्लावर है ना वो खराब हो जाते हैं। ये जब फ्लावरिंग होते हैं ये 5-7 दिन ये रह जाते हैं, 5 to 7 days ये रह जाते हैं फ्लावर। बट अब जब इसको फुल धूप में रखोगे क्या होते है? ये जो है ना, ये जो फ्लावर का ये पोर्शन है ये गिर जाते हैं ऐसे। तो आप जब भी इसको प्लेस करोगे ऐसे जगह प्लेस करना जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप मिले और पूरे दिन की ब्राइट लाइट मिले, नहीं ताकि इसको ये फ्लावरिंग करने में हेल्प हो। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। इस प्लांट को जब भी आप वाटरिंग करो आप सॉइल को चेक करके वाटरिंग करना, क्योंकि ये मॉइस्चर सॉइल पसंद करते हैं। आप जब भी देखोगे आपके जो ये फ्लावरिंग हो रहे हैं उस टाइम में इसको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत है। उस टाइम में आप बहुत अच्छे से इसको वाटरिंग करना, आपके जो एनवायरनमेंट है आपके लोकेशन के हिसाब से आप इसको वाटरिंग करना। जब भी वाटरिंग करो देखना नीचे से ये ड्रेन हो पानी, तो आप सुबह शाम भी कर सकते हो, बट जब भी करोगे इसका जो सॉयल है उसको चेक करके फिर आप वाटरिंग करना, क्योंकि इस प्लांट का वाटर का कम हो जाए तो क्या होती है, ये जो फ्लावर है वो मुरझा जाते हैं, लीव्स मुरझा जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। आप इसका पॉट सिलेक्शन ध्यान से रखना, क्योंकि ये प्लांट जो है ना बढ़ते हैं। जब आप ग्राउंड में लगाओगे इस प्लांट को ये बहुत बड़ा हो जाते हैं, बट जब आप पॉट में लगाओगे आपके बालकनी में या किसी जगह में इसको प्लेस करना चाहे तो इसको आप 10 इंच या 12 इंच के गमले में इसको प्लेस करना, क्योंकि छोटे गमले में ये अच्छे से नहीं बढ़ते और अच्छे से नहीं बढ़ेगा तो इसका फ्लावर नहीं अच्छे से होगा। तो आप जब भी पॉट सिलेक्शन करोगे इसका पॉट आप देख के सिलेक्ट करना, 10 इंच से 12 इंच तक गमले में इसको आप पॉटिंग करना। अब बोलते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। ये प्लांट जब फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं तब महीने में 2 बार इसको फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, क्योंकि जब भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बढ़ जाते हैं प्लांट्स के तो उस टाइम में इसको खाना भी चाहिए होते हैं। तो उस टाइम में आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना, महीने में 15 डेज़ के बाद आप एक बार इसमें गोबर खाद दे देना और आप इसमें ये जो है NPK 19-19-19 ये आप यूज़ करना। देखना इसको यूज़ करने से इसका जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना और इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले जो फर्टिलाइज़र है, सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हो, उससे तो बहुत अच्छे से सोयल का भी pH लेवल बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बोलती हूँ इसके इन्फेस्टेशन के बारे में। इस प्लांट पे थोड़ी बहुत मिलीबग की अटैक हो जाते हैं, इसलिए आप महीने में 2 times इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। और जब भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे बहुत अच्छे से इसको जो ये जो ब्रांचेस है और लीव्स है इसको उठा उठा के शाम के टाइम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना अच्छे से, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से नहला देना। बट जब भी आप वाटरिंग करो या वॉश करो, ये जो फ्लावर है इसके ऊपर आप पानी मत देना। इसके ऊपर पानी देने से क्या हो?
होते हैं, ये जो फ्लावर है ना ये खराब हो जाते हैं, और इसके अंदर अंदर देखिए हनी है। तो क्या होते हैं, आप जब भी इस प्लांट को, ये फ्लावरिंग प्लांट को, आप जहाँ पर फ्रूटिंग हो, आपका फ्रूट्स लगाए हो या वेजिटेबल्स लगाए हो, उस जगह में प्लेस करोगे तो हनी भी आते हैं, तो पोलिनेशन बहुत अच्छे से होते हैं। तो आपके जो उस टाइम के पोलिनेशन बहुत अच्छे होने से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इसको ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स है बहुत सारे, उस जगह में आपको इसलिए प्लेस करना, तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग्स बढ़ा देते हैं, और न्यूमल्स का स्प्रे करना ना। अब बोलती हूँ इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये प्लांट एक लाओगे तो हजारों बना सकते हो, क्योंकि इसका जो ये जो स्टेम है ना, इसको काट करके फिर आप जैसे हम हिबिस्कस का करते हैं उस टाइप में ही आप इसको किसी गमले में लगा दो, देखना और एक प्लांट्स आपके रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप इसका प्रोपोगेशन करोगे उस टाइम में, जब भी आप डीप करोगे उस टाइम में रूटीन हार्मोन लगाओ, नहीं तो हम घर में जो रखते हैं हनी और सिनेमन पाउडर, उसको लगा के ऑर्गेनिक जो होते हैं उसको भी लगा के आप रख दो, देखना बहुत अच्छे से इसको इसका प्लांट्स आपका और दूसरा प्लांट्स रेडी हो जाएगा। बट आप टाइम का ध्यान रखना, एक तो आप स्प्रिंग टाइम में करना, और नहीं तो ये जब मानसून आते हैं उस टाइम में आप इसका प्रोपोगेट करना, तो उस टाइम में बहुत अच्छे से ये बढ़ते हैं। अब बोलती हो इसके ग्रूमिंग के बारे में। ये प्लांट जब भी देखना, जब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम में आप इसको काट के फेंक देना, तो क्या होते हैं ये बुशी भी हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस भी निकल आते हैं। तो जब भी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आप ट्रिम कर देना, ट्रिम करने से बहुत सारे ब्रांचेस आएगा और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। लीव्स को क्लीन रखना, देखो लीव्स भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे आप इस प्लांट का केयर करना, वाटरिंग, सनलाइट, फर्टिलाइजर, तो ये बहुत अच्छे से ये चलेगा। और फ्लावरिंग आए उस टाइम में आप इसको, मैं बोलूँगी आप अच्छे से इसको केयर करो और सनलाइट से बचा के रखो, ये प्लांट आपको और ये फ्लावर आपको बहुत आनंद देगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, अच्छा लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।